नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और सबसे पहले हैप्पी फादर्स डे। पूरी दुनिया मना रही है, शायद आप भी मना रहे होंगे, स्टेटस तक लगा दिए होंगे, मेरे हीरो, मेरे दिल जिगर, मेरी जान, न जाने ऐसी ऐसी बातें जो सुनने के बाद दिल जो है रूह कांपता है। क्या मजाक कर रहे हो, एक मिनट सोचो जिंदगी को रोक के, बस एक मिनट। वाकई में जो फादर को देना था क्या आपने दिया? अगर नहीं दिया तो किस बात का हैप्पी फादर डे? जवाब दो मुझे, दो जवाब। हैप्पी फादर्स डे बोलने से बेहतर होगा साल में एक बार हैप्पी एसडीएम डे बोला जाए, हैप्पी ड्रीम्स डे बोला जाए तो शायद ज्यादा बेहतरीन होगा। क्योंकि एक पापा के अंदर पागलपन होता है, और जिस पापा के अंदर पागलपन होता है, यकीन के साथ मैं आपसे कह सकता हूं, वही पापा की औलाद जो है हर इतिहास को रच देता है। और आपके अंदर कोई पागलपन नहीं है तो यकीन मानिए आने वाले फ्यूचर में आप बेस्ट पापा नहीं बनोगे। इसलिए बेहतर है कि इसी वक्त जिस समय ये वीडियो देख रहे हैं एक पागलपन लाइए, ले आइए पागलपन। हर वो बुरी बुरी आदतें जो है एक एक करके हर घंटे, हर मिनट, हर सेकेंड, हर वीक, हर मंथ, हर ईयर हटा दीजिए। एक ईयर, एक मंथ, एक डे ऐसा आएगा जब आप परफेक्ट इंसान बन जाइएगा। आपसे एक बात बोलो, आप अपने पापा के सबसे लाडली हो। मैं एक्सेप्ट करता हूं सर झुका के। आप अपने पापा के सबसे बड़े स्टार हो। मैं एक्सेप्ट करता हूं। आप सभ्यता और संस्कृति को अपने दिलों में रख के चलते हो। मैं फिर भी सर झुका के एक्सेप्ट करता हूं। हां सही है, आप रोज दिन सुबह शाम पापा को मानते हो दिल जिगर से ज्यादा। मैं एक्सेप्ट करता हूं। आप रात में सोने से पहले पापा का पैर दबाते हो, यह भी मैं दिल से एक्सेप्ट करता हूं। आप पापा से ऊंची आवाज में नहीं मीठी आवाज में बात करते हो, यह भी मैं एक्सेप्ट करता हूं। लेकिन आप अभी तक सक्सेस नहीं हुए हो, क्या आपके पापा खुश है आपसे? अब क्या हो गया आपको? जुबान खामोश, आंखें नम, अंदर से आंसू निकल रही है लेकिन देखने वाला कोई नहीं है। इस दुनिया में हर कोई उगते हुए सूरज को सलाम करता है, डूबते हुए को कोई नहीं करता है, फिर चाहे वो मां हो या पापा हो या गुरु हो, तीनों की बात कर रहा हूं। आपने आज तक कुछ हासिल नहीं किया, आधी जिंदगी कैलेंडर की डेट की तरह थी, चली गई, आधी भी कट जाएगी, यकीन मानो मेरा। पापा को कुछ नहीं चाहिए, आपका कोई रिस्पेक्ट नहीं चाहिए, क्योंकि वो आपके डीएनए में डाल के इस दुनिया में लाए हैं। कोई जरूरत नहीं है बनाने की। अगर बनाने की है तो जो सपना आप अपने अंदर पाले हो ना, उसको सच करके दिखा दो। आपके पापा की 10 साल उम्र बढ़ जाएगी, 10 साल। अगर वो कल मरने वाले होंगे तो 10 साल के बाद उनकी सांसें रुकेगी, मुझसे लिखवा कर रख लो। लेकिन जो कर्म आप कर रहे हो ना, और जिस तरीके से गलत ट्रैक पे दौड़ रहे हो ना तो मंजिल मिलेगी और ना ही बाप जिंदा रहेगा। सपने अगर पूरे हो भी गए तो जिंदगी खालीपन रहेगी, क्योंकि जो आपको जन्म दिया उसका तो वक्त हो गया, वो चला गया, अब जीत के भी क्या कर लोगे? सोचो एक मिनट, जिंदगी को रोक के पूछो। आपको पैदा करने में हालत खराब हो गई थी, आपको पालने पोसने में जिंदगी भर की कमाई पटना, प्रयागराज, मुखर्जी नगर में गवा दिए, बदले में आपने क्या सिला दिया? अनसक्सेस, लगातार प्रीलिम्स अनसक्सेस, मेंस में थर्ड डिजिट क्रॉस करना दुश्वार, इंटरव्यू का तो सर सपना ही छोड़ दो। तो फिर आपने किया क्या पिछले 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल में क्या किया? एक बार अपने दिल के अंदर जाके खुद को पापा बना के पूछो, चाहिए ऐसी औलाद जैसा आप हो। भूल जाओगे फादर्स डे मनाना, दिखावा नहीं, पापा का सरताज बनो, पापा का शान बनो, खुद के नाम से
पापा का पहचान बनो तो तुम जिंदा हो, वरना जिंदा रह के भी एक जिंदा लाश की तरह हो। आधी जिंदगी के बाद भी अगर पटना, प्रयागराज, इलाहाबाद में, मुखर्जी नगर में अगर किराए के मकान में जिंदा हो तो शर्म की बात है, लालच की बात है। कोई ऐसी जिंदगी जीता जैसी आप जीते हो कड़वी है लेकिन दिल की बात है। आज मैं ये बात बोल रहा हूं, दिल से कहता हूं, एक बार अपने दिल को अपने पापा के दिल में लगा के जुबान से बोल के तो देखो, क्या पापा सुजीत सर जो बोल रहे हैं ये आवाज आपकी है या फिर सुजीत सर की है? धीरे से चुपके से बोलेंगे, पापा बेटा बात तो मैं हूं लेकिन आवाज यही सुजीत का है, मैं भी यही चाहता हूं जो वो बोलता है। फर्क बस इतना है कि सुजीत बोल रहा है तो तुम अपनी भड़ास निकाल रहे हो, अगर मैं बोलूंगा तो तुम सुसाइड कर लोगे, बस इतना का फर्क है। इसलिए आपके मां बाप शांत रहते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं। बेटिया आपकी अंतिम चांस है, फादर्स डे बोलना बंद करो, गिफ्ट डे मनाओ, पापा को सक्सेस वाली गिफ्ट दो। अगर जमीन चीरना पड़े ना तो जमीन को खोद दो, आसमान तोड़ना पड़े ना तो आसमान को तोड़ दो, किसी का सर झुकाना हो ना तो सर झुका दो, खुद को झुकना पड़े ना खुद को झुका दो, लेकिन अपने ड्रीम को सच करके जमाने को दिखा दो, क्योंकि आपके ड्रीम्स में ही फादर्स डे लगा हुआ है, समझो। बाकी सोचना आपको है, मेरा तो ऐसे भी वक्त चला चल गया है सच में, और दिल से एक्सेप्ट करता हूं मेरे मां बाप हमसे खुश नहीं है, नहीं है, क्योंकि जो ड्रीम मेरा था हमने पूरा नहीं किया। आज जो काम कर रहा हूं सिर्फ जिंदगी जीने के लिए कर रहा हूं, दो वक्त रोटी का जुगाड़ कर रहा हूं, इसके सिवा कुछ हासिल नहीं किया हूं, कुछ नहीं, सच बता रहा हूं। मैं नहीं चाहता हूं जिस तरीके से मेरे मां बाप के सपने टूट गए, मेरे बाप आज भी रोता है, आज भी मैं उनके सामने बात नहीं कर पाता हूं दिल की, क्योंकि मैंने उनकी गाढ़ी कमाई को पटना, प्रयागराज, मुखर्जी नगर में डुबो दिया। आज भी नफरत की वॉर चलती है, चाह के भी नजर नहीं मिला पाता हूं। मम्मी चुपके से बैठ के पापा से बोलती है हमने कैसी औलाद पैदा किया, ये मेरे कृष्ण, मेरे वाहेगुरु, मेरे अल्लाह, इस बार तो ऐसी औलाद दे दिए हो, अगली बार बे औलाद रखना, सुजीत जैसी औलाद कभी मत देना। और ये मैं सच बता रहा हूं आपको, सच दिल से बता रहा हूं, नहीं देना। अगर तुम मुझसे पूछोगे सुजीत सर क्या आपके जैसी औलाद आपको चाहिए, नेवर, कभी नहीं, भगवान करे दुश्मन को मेरी जैसी औलाद ना मिले, दुश्मन को भी ना मिले। अगर मेरे दिल से ये निकलती है आ, तो इसका मतलब है मेरा ड्रीम अधूरा रह गया। आपका ड्रीम अधूरा ना रहे इसके लिए आपके पास में आके हर रात जगाता हूं आपको, हर रात, और कहता हूं बस एक ही बात, समय दस्तक दे दिया है, आज से 70 दिन के बाद आपकी इम्तिहान है, तुम जीतो या हारो फर्क दुनिया को नहीं पड़ता है, नहीं पड़ता है, लेकिन आपके मां बाप को जरूर फर्क पड़ेगा, आपकी जिंदगी को जरूर फर्क पड़ेगा। आयोग की जगहसाई हो गई है, वो सूद सहित अगर बदला ना लिया ना तो मेरा नाम मिटा के रख देना, प्रिलिम्स से जो बार करेगा वो मेंस तक हिला कर रख देगा आपको, आपकी औकात अगर हाथ में ना ला दिया तो मेरा नाम भी सुजीत सर नहीं, क्वेश्चन ऐसा फेंकेगा कि आपकी धड़कन हिला कर रख देगा, और तब पता चलेगा वक्त भी थी, दस्तूर भी था, सुजीत सर भी थे, सियोर सक्सेस संस्था भी थी, सब कुछ मदद करने के लिए तैयार थी, लेकिन बहाना ने आपकी जिंदगी को 1.5 साल पीछे फेंक दिया। ऐसा काम करेंगे आप, एक बार बैठ के सोच लीजिएगा, एक बार, बस तनिक एक बार सोचिए, आपके पापा को आपसे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, आपके सपने पूरे हो जाएंगे, वही आपका फादर्स डे है, वही दिन आप फादर्स डे मना लेना। बिटिया अगर तुम हार गई तो कल हाथ पीले हो जाएंगे, किसी गधे के जूते के फीते खोलना पड़ेगा, लिखवा कर रख लो मुझसे,
अगर किसी गधे के जूते का पीता नहीं खोलना है तो मेरी हर एक एक बात को हर दिन हर रात सोने से पहले, जगने से पहले नहीं, सोने से पहले मेरी इस बात को याद रखना, हो सके तो सुनते रहना। आपका ना जमीर मरने दूंगा, ना आपका विश्वास गिरने दूंगा, बल्कि बीपीएससी 67 में एक एसडीएम का पोस्ट दिलवा दूंगा। बस एक बार साथ दो। चलिए फिर किसी नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। नमस्कार।